नमस्कार मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा आप देख रहे हैं न्यूज़ अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला आजमगढ़ में युवाओं को रोजगार देने की महत्वाकांक्षी योजना स्कूल इंडिया के तहत समेदा स्थित ओकार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर सोशल डिस्टेंस के साथ रोजगार शिविर का आयोजन किया गया जिसमें देश की नामचीन कंपनियों के लिए साठ छात्रों को कैंपस से मिला बताते चले कि उक्त रोजगार शिविर में मदर्स सोमी सिस्टम लिमिटेड एवं मारुति की सहायक कंपनियों के संयुक्त साक्षात्कार अधिकारी के रूप में घनश्याम पटेल ने कुल पचासी छात्रों का साक्षात्कार किया जिसमें साठ छात्रों को साक्षात्कार में सफलता मिल सकी इन्हीं सब शीघ्र ही प्राइवेट में कंपनी में अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल सकेगा। कैंपस पाने वाले छात्र समय से नौकरी मिलने की व्यवस्था से काफी चेके हुए नजर आए वही निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधक तुषार सिंह ने कहा कि हमारे संस्था की प्राथमिकता है कि यहाँ के बच्चे आईटीआई उत्तीर्ण कर शत प्रतिशत अच्छी कंपनियों में नौकरी प्राप्त करते हुए अपने जिले का नाम रोशन करें इसी कड़ी में यह कैंपस सिलेक्शन का प्रबंधक किया गया है ऐसे आयोजनों से छात्रों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है जिन पंद्रह बच्चों को चयनित हो सका है उनके लिए संस्थान द्वारा विशेष प्रकार की क्लास दी जाएगी ताकि इनकी प्रतिभाओं को तराश कर इन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके प्रबंधक तुषार सिंह ने कहा कि संस्थान छात्रों के सौ प्रतिशत प्लेसमेंट एवं उच्च गुणवत्ता वर्ग शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तीन महीने बाद फिर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा इस मौके पर प्रिंसिपल विजय यादव फोरमैन राहुल रामचरण गौतम सहित आज मौजूद रहे